नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है लैब एट होम। आप साइंस सीखे बहुत आराम से, जो आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर पे। तो इस टाइप के मनोरंजक और आकर्षित वीडियो आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं और, ठीक है। और मैंने भी देखा है कई बार, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आइए हम मनोरंजन के साथ साथ आपको साइंस भी सिखाने का छोटा सा प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यों जो है वाटर या कोई भी लिक्विड चीज़ किसी भी प्रतिबिंब को रिवर्स और अपोजिट कर देता है। अब हम आपको समझाते हैं कि वाटर क्यों जो है किसी इमेज को रिवर्स कर देता है। न सिर्फ रिवर्स करता है बल्कि वो अपसाइड डाउन भी करता है, जैसे कि आप अल्फाबेट में देखे थे, ठीक है। मैं आपको यहाँ कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये है इमेज आपका, ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया है ये पानी, ये वाटर, ठीक है। ये है हमारी आँख, ठीक है। जब हम कोई चीज़ हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो है रेज यहाँ से चलती हैं और ये पानी के थ्रू होके आगे बढ़ती है। तो पानी क्या होता है कि ये एक लेंस का काम करता है, और लेंस क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु, चाहे वो ग्लास हो या प्लास्टिक हो या पानी हो या कोई लिक्विड हो, जब किसी किरणों को वो मोड़ देती हैं, ऐसी चीज़ों को वो लेंस कहते हैं। तो जो वाटर होता है वो लेंस का काम करता है। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, जो इस तरह से होता दिखता है, दोनों तरफ से इस तरह से दबा होता है। एक होता है कॉनवेक्स, जो इस तरह से होता है, दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है। तो जो पानी होता है वो एक तरह से कॉनवेक्स लेंस का काम करता है। इस तरह से कॉनवेक्स लेंस क्या करता है कि जो बाहर से जो किरणें आ रही है उसको मोड़ देती है, ठीक है, इस तरह से मुड़ जाती है। तो ये जहाँ एक जगह मिलती हैं, जहाँ पे मिलती हैं, इसको जो है फोकल लेंथ बोलते हैं, इस लेंस का, इस पानी का, ठीक है। एक तरह से इमेज अगर यहाँ बनता है तो आपको ये आँख से सीधे सीधे दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया था, पानी के बॉटल को अगर हम इमेज से दूर रखते हैं, अब पास में रखते हैं, तो ये सीधा सीधा दिखता है। लेकिन जब हम जैसे ही बॉटल को दूर रखते हैं तो ये जो है इमेज, ये रेस कंटिन्यूस इस तरह से चली जाती हैं, और रिजल्ट में क्या होता है कि ये जो एरो का लोकेशन है ये उल्टा बन जाता है। तो ये प्रतिबिंब हमको इस आँख से दिखाई देता है। तो अब आपको पता चल गया कि क्यों जो है किसी ऑब्जेक्ट, किसी इमेज के बीच में जब अगर आप कोई भी लिक्विड रखते हैं तो हमको उल्टा क्यों दिखाई देता है। Thank you.
रही बात इस लिक्विड को, आप इस लिक्विड के जगह अगर आप कोई ऑयल या किसी भी प्रकार के लिक्विड रखते हैं तो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ इस किरण को कितना बेंड करती है, कितना मोड़ सकती है, वो डिपेंड करता है इसके मटेरियल का। इस मटेरियल को जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि उसकी जो कैपेसिटी होती है किरणों को मोड़ने के लिए। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी बताएं।